तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले हमें एटीएम का अगर पिन जनरेट करना है तो सबसे पहले हमें एटीएम जो है चिप के साइड में अपना डालना होगा एटीएम मशीन। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पिन एक्सचेंज पिन का ऑप्शन है, उस पर जाकर क्लिक करने के बाद ओटीपी जनरेशन वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है और हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, जो बैंक में आपने दिया है वो मोबाइल नंबर, उसमें यहाँ पे ओटीपी सेंड हो गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, यहाँ पे दिख रहा ओटीपी हैज़ बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हमें ओटीपी चेक कर लेना है जो हमारा, इसके बाद फिर हमें चिप के साइड में फिर से हमें एक बार एटीएम डालना है। डालने के बाद यहाँ पे फेस वेट लिख रहा है, उसके बाद यहाँ फिर से हमें क्रिएट पिन वाले ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे ओटीपी वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद यहाँ ऊपर में देखिए लिख रहा है प्लीज एंटर योर सिक्स डिजिट कोड। सो हमें यहाँ पे ओटीपी जो कोड है, ओटीपी जो हमारा आया था वो हमें यहाँ पर दे देंगे, सिक्स डिजिट का ओटीपी हमें यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे यस वाला ऑप्शन जो है नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। लिखने के बाद फिर सीन चेंज मिस इंटर योर न्यू पिन, मतलब यहाँ पे हमारा न्यू पिन जनरेट करने बोल रहा है, आप अपने मन से चार डिजिट का कोई भी अपना पिन अपने मन से डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने मन से चार डिजिट का पिन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया पिन, तो यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन 100% मतलब कि यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो हमारा सीन है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा टीम चेंज सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है, मतलब कि हमारा जो फीन है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है।